गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्प्राउट की बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। जो यूजुअली होता है कि हम नॉर्मल स्प्राउट खाने में हिचकिचाते हैं क्योंकि हमें वो टेस्टलेस लगता है, बट आई एम प्रीटी श्योर आप ये रेसिपी फॉलो करेंगे उसके बाद आपको स्प्राउट से भी प्यार हो जाएगा। और ये हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी बहुत ही होती है। एंड इसको हम ग्रीन चटनी, रेड चटनी के साथ खा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने ग्रीन चटनी रखी हुई है इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आप चाहो ग्रीन चटनी का वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं स्प्राउट की क्रिस्पी कटलेट की। तो स्प्राउट की कटलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे स्प्राउट लिया हूँ जिसमें मूंग की दाल है और चने हैं। इसको हम मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। फिर इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे लहसुन, मिर्च और थोड़ी सी अदरक मिलाऊंगी। हम प्याज मिलाएंगे, बेसन का यूज़ करेंगे, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लिए हुए हैं जिसका हम यूज़ करेंगे, थोड़ा सा ऑयल और बॉयल्ड आलू यहाँ पे मैंने चाट लिया जिसको हम उसको कसेंगे। मसाले में क्या यूज़ करूँगी बता देती हूँ। थोड़ा सा जीरा, अमचूर पाउडर, ब्लैक पेपर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्च, मिर्च पाउडर और नमक और हींग। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्प्राउट्स कटलेट की। तो पहले हम स्प्राउट को हल्के से ग्राइंड करेंगे। तो ये स्प्राउट हमने ग्राइंड कर लिया है, इसको हम बहुत ज़्यादा महीन नहीं करेंगे। और अब मैं आलूओं को कद्दूकस कर लेती हूँ। तो ये आलू मैंने कद्दूकस कर लिए। तो चलिए हम मिक्सर रेडी करते हैं। पहले हम ऐड करेंगे स्प्राउट जो हमने ग्राइंड किए हुए हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें आलू ऐड करेंगे जो हमने कद्दूकस किए हुए हैं, थोड़ा सा अदरक जो हमने कद्दूकस किया हुआ था, लहसुन और हरी मिर्च, प्याज, धनिया की पत्ती, नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ी हाफ चम्मच हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून में धनिया पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, एक चम्मच अमचूर पाउडर, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जीरा। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको थोड़ा सा हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब हम बेसन का पेस्ट बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे हाफ कटोरी बेसन लिया हुआ है जिसमें मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा अमचूर पाउडर मिलाया है। और हम थोड़ा सा इसमें नमक भी मिला देंगे और बहुत ही थोड़ी सी इसमें हींग। और इसको पानी डाल के इसका हम पेस्ट बना लेंगे। मेक श्योर जब आप इसका पेस्ट बनाएंगे तो मेक श्योर कि इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से पीस लूँगा। तो हम इस मिक्सचर की छोटी छोटी सी बॉल्स बनाएंगे। और बॉल्स हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि इसको हम अकम पटरा में इसको हम पकाएंगे, इसको हम डिप फ्राई नहीं करेंगे। तो इस साइज़ की हम सारी इसमें बॉल्स बनाएंगे। तो ये हमने छोटी छोटी करके सारी बॉल्स बना ली हैं। तो हम इन बॉल्स को बेसन में पेस्ट इसका बनाएंगे, इसको कवर करेंगे। तो इसीलिए आपने शायद ध्यान दिया होगा कि हम बेसन को जब भी पेस्ट बनाएंगे तो बहुत थिक नहीं बनाएंगे, इसको बहुत ही पतला सा बनाना है। और जब बेसन में पेस्ट बना लेंगे इसको थोड़ा सा ऐसे ब्रेड क्रम्स में भी इसको ऐसे रैप करना है। और ऐसे ही करते हम सारी बॉल्स ऐसे हल्के से बेसन में रैप करके और यहाँ पे इसको ब्रेड क्रम्स में करके कर लेंगे। और एक साथ हम इसको अपर पटरा में रखेंगे। तो सारी बॉल्स में मैंने ब्रेड क्रम्स सब लगा लिया है। अब इसको पकाने के लिए अपर पटरा पे हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको ब्रश से हम अच्छे से ऑयल लगा देंगे क्योंकि हम डीप फ्राई नहीं कर रहे। तो वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे जो कटलेट्स है वो अच्छे से पकने चाहिए। और इसको ऐसे रख देंगे, फिर रख देंगे और 3 से 4 मिनट के बाद, इसको मैंने ढक के रखा हुआ, 3 से 4 मिनट के बाद इसको हम एक बार खोल के देखेंगे और इसको दूसरी साइड पलट देंगे। तो हमने अब ओपन करके देख लिया होगा और एक साइड से आप देख रहे हैं ये पक गए हैं। तो इसको हम फोक की सहायता से और किसी लकड़ी की सहायता से इसको हम पलटेंगे। तो ये हमारे कटलेट दोनों साइड से पक गए हैं जैसे आप देख रहे हैं। और इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि दोनों साइड से अच्छे से हुए हैं नहीं हुए हैं। तो सीम्स ये दोनों साइड से अच्छे से पक गया है। बट इसको थोड़ा सा और क्रिस्प करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा इसकी पोजीशन चेंज कर दे रही हूँ ऐसे करके। और इसको एक
दो मिनट के लिए और हम ढक के रख देंगे। तो ये हमारे कटलेट बिल्कुल रेडी हैं और मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। तो दोस्तों हमारे स्प्राउट कटलेट बिल्कुल रेडी हैं बहुत ही कम तेल में और ये देखने में काफ़ी टेस्टी लग रहे हैं क्योंकि इसमें हमने ब्रेड क्रम्स का यूज़ किया, जो ब्रेड क्रम्स अपने आप में ही काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो आप लोग घर पे बनाइएगा जैसे हमने आपको बताया और हमें कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि आपको ये स्प्राउट की यूनिक रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।